अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टोरीज विद सैयद साद। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर शोज काफी सारे हमने किए और आपको कोशिश की कि जितना ज्यादा हम अवेयर कर सकें इस पेंडेमिक में और उसके साथ साथ फिर लॉकडाउन की सूरत हाल और रमजान में भी जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हमने शोज किए कि लोगों को जो है वो जितनी इस वक्त अवेयरनेस दी जा सके, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी ऐसा सिलसिला हो जो जिसके बारे में लोग कंफ्यूजन रखते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात की जाए, लोगों को समझाया जा सके कि किस तरह से उन्हें क्या काम करना है। मुख्तलिफ हमने शोज किए। आज का जो शो मेरा है वो शो बेसिकली सबसे जबरदस्त टॉपिक तालीम, जाहिर है जो बड़ी जरूरी होती है इंसान की जिंदगी में। और कोरोना की जब से ये लॉकडाउन की सूरत हाल हुई तो सभी जानते हैं कि सिंध के अंदर जो है वो तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और अभी 2 महीने होने वाले हैं। कुछ पता नहीं है कि कब ये स्कूल रीओपन होते हैं और कब सूरत हाल बेहतर होती है। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपने गेस्ट जो हैं आज उन सबका तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ प्रोफेसर मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं जो फाउंडर हैं मास्टर जी कॉलेज वेट के। इसके साथ साथ सर यूसुफ मेरे साथ मौजूद हैं जो यूसुफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इसके साथ साथ ही सैयद तारिक शाह चेयरमैन ऑल प्राइवेट मैनेजमेंट ऑफ सिंध मेरे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ सना गुफान खान जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी टीचर हैं और काफी टाइम से जो है शी हैज बीन टीचिंग। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तारिक शाह साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे ख्याल में तारिक शाह साहब से ऑडियो का थोड़ा सा इशू हो रहा है। सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ सर आपकी तरफ आऊंगा और आपसे सवाल करूंगा। मुझे बताइए कि अभी जिस तरह से कोरोना की सूरत हाल स्टार्ट हुई और उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको पता है कि पूरा शहर ही जो है वो बंद हो गया और मुख्तलिफ ताजरों की अगर हम बात करें या मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करें तो उन्होंने बड़े मुतालबात अपने किए और फिर उनको किसी हद तक जो है थोड़ा बहुत खुलने की इजाजत दे दी गई। आज के शो में जैसा मैंने टॉपिक रखा है कि किस तरह की एसओपीज जो हैं वो बनाई गई हैं, क्योंकि जाहिर है आप लोग अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप लोग ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि जाहिर है सिचुएशन की कोई एक्सपायरी डेट हमें नहीं पता, तो क्या बताना चाहेंगे सर यूसुफ साहब? भाई सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात यह है कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसके बारे में कोई हतमी चीज सामने आके नहीं दे रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो वाजे कर देना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ तो हमने अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो है ऑनलाइन ले लिया, जिसमें हमने जूम के थ्रू उनको जो है ऑनलाइन लेके ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा बड़ा बहुत ही अहम पहलू है कि क्या स्कूल लेवल पे हमारे स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्या वहाँ पर ये सूरत हाल इससे ऐसे निपटा जा सकता है, और इतने गांव देहात वहाँ पे क्या नेट की अवेलेबिलिटी है? तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत मुश्किल काम है। हमारा वास्ता जिन लोगों से पढ़ता है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं जीआरई, जीमैट, सेट, आईएलटीएस, टॉफल, इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरे बहुत सारे टेस्टिंग वाला जो सिलसिला होता है, इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज भी, उसमें तो चले जो जेंट्री हम जिनको फेस करते हैं उनके पास नेट की अवेलेबिलिटी होती है, उनके पास एथिक्स अवेयरनेस होता है कि ऑनलाइन क्लासेस के किस टाइप से लेनी है, मैच्योर ग्रुप होता है मतलब एक एज वाइज। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको आप ऑनलाइन कैसे लेकर आएंगे, वो कैसे सिस्टम होगा? गवर्नमेंट को पूरा टेक्निकली अपना आईटी का सेक्टर बड़ा भरपूर तरीके से डेवलप करके टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, फिर जाके चीज हो सकती है। वरना जितने भी असातिज़ा हैं उनकी मौजूदगी में भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम है कि उन एसओपीज को फॉलो किया जाए। बिल्कुल सही बात है कि जाहिर है फिजिकल टीचर का पढ़ाना और एक ऑनलाइन पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग दुनिया भर में जो है वो की जाती है, ऑनलाइन टीचिंग का जो है वो एक अपना इम्पैक्ट होता है, बट फिजिकल एक टीचर का बच्चों को पढ़ाना, और ये बिल्कुल सही बात है सर यूसुफ जैसा आपने हमसे डिस्कस किया कि एक छोटे बच्चे जो होते हैं उनको टैकल करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट, उनके उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। एक और मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना तो उनकी जो नशोनुमा होती है, उनकी तरबियत होती है, तो द वे दे कैरी देमसेल्व्स, जो असातिज़ा हैं सिर्फ तदरीसी अमल को नहीं जारी रखते हैं, वो तो इस चीज को भी देखते हैं कि बच्चा कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसको टोकते हैं ऐसे नहीं बोलो, ये तुमने लफ्ज क्यों बोला,
अब हम लोग जिन लोगों को डील करते हैं वो तो माशाल्लाह पहले ही मैच्योर ग्रोन अप होते हैं, तो हमारे पास जो चीज उनके पास डिलीवर करने के लिए होती है वो डायरेक्टली कोर्स होता है। आप समझ रहे हैं बात, यानी कि जो एक तरबियत वाली बात होती है वो हमारे वाले पार्ट पे थोड़ी सी कम होती है, और जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें वो तरबियती वाला जो तरबियत वाला पहलू है वो बहुत नुमाया होता है। और उसके लिए मैं समझता हूँ सामने होना, कि बिल्कुल आप सामने हो तभी तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्कुल बॉडी सही लैंग्वेज बात है, सब समझेंगे। वो तरबियत ऑनलाइन मेरे ख्याल में जो है वो वो बहुत मुश्किल है ना कि ऑनलाइन बच्चा कैसे कपड़े पहनकर आया है, क्या किया उसने, वो तो बड़ा एक मुश्किल मरहला है। एग्जैक्टली। सर इस आपके पास दोबारा आता हूँ। मोहम्मद उमर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में ऑडियो का इशू है। तारिक शाह साहब आपका आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, तारिक शाह साहब अपना माइक जो है वो आप ऑन कर दीजिए। सबसे पहले तो वेलकम टू जी द ऑन शो। बिल्कुल जी, थैंक और यू जाहिर सर। है आज का टॉपिक आपको पता है कि SOPs के हवाले से हम जो है अपने शो में आज बात कर रहे हैं। अभी जैसे सर यूसुफ ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट शेयर किया कि जाहिर है वो प्रैक्टिकलिटी और वो फिजिकल होके जो बच्चों को पढ़ाना होता है उसका एक बिल्कुल अलग इम्पैक्ट होता है। आपसे जो मेरा सवाल है, आप माशाल्लाह ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो है वो चेयरमैन है और मुख्तलिफ स्कूल जो है वो आपके अंडर आते हैं। मुझे ये बताएं तारिक शाह साहब के SOPs का जो मैं आज टॉपिक हाईलाइट कर रहा हूँ उसका मकसद ये है कि आपने देखा कि मार्केट्स खुली अभी और सूरत हाल आपने देखा कि किस तरह से जो है वो उनको कुछ हद तक खोलने की इजाजत दी गई सिंध हुकूमत की जानब से। उसके बाद अब मुख्तलिफ इस तरह की जो सनतें हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है ना। अब मेरा ये सवाल है कि SOPs की मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि स्कूल्स की हम बात करें, कोचिंग्स की हम बात करें, तो आप लोगों ने कोई ऐसी माइंडसेट बनाया है कि अगर आप लोगों को हुकूमत की तरफ से कुछ राहत दी जाती है कि भाई आप लोग फॉर इंस्टेंस जून जुलाई या फला दिन से जो है या फला महीने से जो है आप लोग अपना स्कूलिंग स्टार्ट करें, तो आप लोगों ने कुछ सोचा हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाना है, क्या SOPs रखनी है स्कूल में, कितने बच्चे क्लासरूम में अलाउ होंगे, इस तरह से क्या आप लोग की प्लानिंग है अभी? जी जनाब बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात यह है कि SOPs के साथ जब पूरी दुनिया में स्कूल खोले जा रहे हैं तो वाई नॉट पाकिस्तान। और कोरोना तो किसी भी जगह खत्म नहीं हुआ, हर एक के डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी हम उसी स्टेजेस से गुजर रहे हैं। तो जहां तक बात यह है कि डिफरेंट सेक्टर खोले गए, तो कल हमारी मिनिस्टर एजुकेशन से स्टीयरिंग कमेटी के अंदर यही मुतालबा था कि जब मार्केट्स खोल दी गई, जब बाजार खोल दिए गए, तो उससे बहुत बेहतर SOPs तो स्कूल में किए जा सकते हैं। और उसके लिए हमने सजेशंस भी दी कि बहुत सिंपल है कि हम अपनी क्लासेस को दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे और जरूरत पड़ी तो तीन में भी किया जा सकता है, कि हम स्कूल को सिर्फ 2 घंटे के लिए लगाएंगे और उस पे कोर सब्जेक्ट्स इंग्लिश उर्दू मैथ, ये हम 4 सब्जेक्ट्स को फोकस करेंगे इस साल। और सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह से हो पाएगी कि जब एक क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं और तो उसी क्लास में अगर 8, 9 या 10 बच्चे बैठे हुए होंगे तो बड़े आसानी से वो दूर दूर बैठ सकते हैं। तो 2 घंटे की क्लासेस होंगी विदाउट ब्रेक, और बच्चे जो है ना वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़े और टीचर्स की सुपरविजन वहाँ मौजूद हो। जब स्कूल में वो एंटर हो तो वहाँ पर उनको कोरोना वायरस के लिए जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाए और उनको डिसइंफेक्ट किया जाए, उनके मास्क लगे हुए हों, उनपे स्प्रे किया जाए। वॉक थ्रू गेट्स अब आ गए, खुद भी बना सकते हैं स्कूल वाले और खरीद भी सकते हैं, हम तो मार्केट में इतनी चीजें अवेलेबल हो गई हैं। तो इन सब चीजों के साथ जो है वो स्कूल लगाया जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात है कि जाहिर है जब मुख्तलिफ इस तरह की हम सनफें खोल रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को मार्केट जैसे, अब जाहिर है मार्केट तो वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा रश होता है लोगों का, और कराची की आवाम के बारे में हम सब बेहतर जानते हैं कि शॉपिंग के हवाले से कितने जो हैं वो कौन किस्म के लोग इधर रहते हैं। सना गुफरान आपकी तरफ आऊँगा, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सर, अच्छा, आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम से जो है टीचिंग कर रही हैं और आपने मेरे ख्याल में बिगनर्स इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों लेवल्स को जो है वो टीच किया है। आप क्या समझती हैं एक प्रोफेशनल टीचर होने की हैसियत से कि SOPs के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और जाहिर है जैसे भी तारिक शाह साहब ने कहा कि बिल्कुल अगर एक क्लास के अंदर 25 बच्चे बैठे हैं और वहाँ 8-10 बच्चे बैठाए जाएं तो
बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि वहाँ वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला फैक्टर जो है वो कहीं अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप मुझे बताएं, आपके नजदीक टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग और फिर ये SOPs को फॉलो करते हुए किस तरह देख रही हैं आप के क्या होना चाहिए स्कूल्स में, कोचिंग पे? देखिए साहब, तारे साहब की बात बिल्कुल ठीक है दैट यू कैन नॉट रिप्लेस रियल टीचिंग विद वर्चुअल टीचिंग, ये तो है। स्पेशली जब आप अर्ली ईयर्स की बात करते हैं, मेरे ख्याल से यूसुफ साहब ने हायर लेवल पे बात की थी, बट आई वुड रादर टॉक अबाउट जूनियर लेवल्स। आई यूज टू टेक जूनियर एंड नाउ करंटली आई एम लुकिंग आफ्टर कैम्ब्रिज। सो व्हेन यू टॉक अबाउट जूनियर लेवल, आपके पास सबसे मेजर चीज़ होती है एक बच्चे की तरबियत के अलावा उसके फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये वो चीज़ें होती हैं जो द टीचर इज हैज द रिसोर्सेज एंड दे आर ट्रेंड टू डेवलप दोज। वो आप घर पे बैठ के पेरेंट्स के सुपरविजन में डेवलप नहीं कर सकते हैं। और यही बच्चे अगर इफ दे आर नॉट गिवन द प्रॉपर रिसोर्सेज तो आगे जाके वो उन्हीं का लॉस है। एंड हमारे तारिक साहब ने जैसे बोला कि व्हेन द होल वर्ल्ड हैज कंटिन्यूड विद एजुकेशन देन व्हाई नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए तो वैसे भी एजुकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, और वंस दिस होल सिचुएशन इज बेटर देन हम लोग के बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो आई टोटली वाउच फॉर दिस थिंग दैट द स्कूल शुड री ओपन एंड प्रॉपर SOPs नीड्स टू बी फॉलोड, एंड हम स्कूल में ज्यादा बेटर SOPs फॉलो कर सकते हैं। ही हैज ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स लाइक वॉक थ्रू गेट्स। मस्जिदों में भी आजकल हम देख रहे हैं कि वॉक थ्रू गेट्स काफी इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। देन वी हैव सैनिटाइजर्स एवरीवेयर, मास्क है, ग्लव्स है, एंड इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया टू स्प्लिट क्लासेस बिटवीन टू। देखिए नॉर्मल कोर्स में हमारे पास स्पोर्ट्स भी होता है, हमारे पास असेंबली होती है, देन वी हैव डिस्पर्सल, एंड उसके अलावा हमारे पास कॉम्पिटिशन भी होते हैं। एंड इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास वो 4 to 5 hours का लर्निंग पीरियड बनता है बच्चे का एक दिन में। लेकिन अगर हम अपने सब्जेक्ट्स को और हम लर्निंग आर्ट्स को और लर्निंग टाइप्स को लिमिट कर दें तो हम आराम से 2 to 2.5 hours की एक सेशन रख कर बच्चों की मतलब बच्चों की बेसिक नीड्स को तो पूरा कर सकते हैं। दैट वुड बी मच फार बेटर देन वर्चुअल टीचिंग। दिस इज माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। एज फार एज वर्चुअल टीचिंग इज कंसर्न, आई थिंक मैं जहाँ तक दूसरे स्कूल्स का भी देखती हूँ, वॉट माई कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, वॉट माई स्कूल इज डूइंग, एवरीबडी इज गिविंग ऑलरेडी गिविंग 100% टू इट। बट अगेन आप ओरिजिनल चीज से वर्चुअल चीज को रिप्लेस तो नहीं कर सकते, आपको रियल टीचिंग पे इवेंचुअली आना होगा। तो SOPs इनकॉर्पोरेट करके उसको आप जितने इफेक्टिवली जल्दी तरीके से कर लें वो आगे बच्चों के फ्यूचर के लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर यहीं से हम जो है वो दोबारा से शो को स्टार्ट करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सना गुफरान से इस वक्त हम बात कर रहे थे, और ये बात तो सही है कि इट्स हार्ड टू यू नो के सिचुएशन में जाहिर सी बात है हर कोई जो है वो किसी ना किसी चीज में फ्लेक्सिबिलिटी लाइक लेके आनी पड़ी है। मोहम्मद उमर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में मोहम्मद उमर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक दफा लीव करके शो को दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी ऑडियो जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर यूसुफ, आपकी तरफ आऊंगा दोबारा। अभी जैसे सना गुफरान ने और सर तारिक शाह साहब ने अपना पॉइंट शेयर किया, मुझे ये बताएं कि आप भी काफी टाइम से माशाल्लाह यू आर एक्सपीरियंस टीचर, जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन टीचिंग एक अपना इम्पैक्ट रखती है
और एक फिजिकल टीचिंग करने में अपना इम्पैक्ट होता है। अभी तारिक शाह साहब ने बताया कि एसओपीस का प्लान किया है, आप मुझे बताएं कि आप अपना माशाल्लाह इंस्टीट्यूट रन करते हैं, आपने क्या प्लान किया है? अगर इजाजत मिल जाती है, जो मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि आप किस तरह से अपने इंस्टीट्यूट को आगे जो है वो रन करेंगे, किस एसओपीस को फॉलो करेंगे, क्या सोचा है आपने? पाकिस्तान मतलब यहाँ पे भी होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि बच्चों को आप स्कूल में तो आपने मेंटेन कर लिया वो समाजी फासला और सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग, जब बच्चे स्कूल से निकलेंगे तब क्या होगा इस पे गौर करें जरा। जिन बच्चों को पेरेंट्स लेने के लिए आएंगे फाइन, लेकिन जो बच्चे ट्रांसपोर्टर्स के साथ जाएंगे तो उस वैन में और हाई रूफ में जो जैसे वो डरबे में लेके जाता है वो कैसे लेके जाएगा, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये बहुत ही अहम पहलू है कि स्कूल के अंदर तो मेंटेन्ड हो गया, अब स्कूल के बाद जब बच्चे उन लोगों के हाथ चढ़ते हैं जिसको वो भर भर के लेके जाते हैं। हमारे यहाँ का जो सिलसिला है उसमें चूंकि मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा मैच्योरिटी लेवल होती है, बड़े लोग आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एज ग्रुप जो है वो 30 अबव 40 अबव भी होता है, जो आइल्स वगैरह दे रहे होते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हमारे यहाँ आते हैं तो हमने तो ठीक है मेंटेन कर लिया, अपनी क्लासेस को डिवाइड कर लिया, जैसे इन्होंने कहा कि 25 की जगह 8, हम ये कर सकते हैं। और हमारे उसमें ना जो वर्चुअल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इफेक्टिव हो रहा है, यानी कि अभी मैं जो क्लासेस दे रहा हूँ तो वर्चुअल वाली, तो आपको हो सकता है बड़ा वो अजीब सा लगे कि बाज़ दफ़ा 80-85 स्टूडेंट्स भी होते हैं एक सेशन के अंदर, और ऐसा भी होता है 1-on-1 सेशन भी हो रहा है कभी, तो ये वेरी करते हुए 80-85 तक जा रहा है जूम के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हम इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं तो भाई ठीक है, आप इंस्टीट्यूट में आ गए, आपने वहां पे हमने आपको पूरा पूरा वो फैसिलिटेट किया, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप लोग तो मैच्योर हैं, आप अपने तौर पर खुद ही देखेंगे, आप अपनी ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, लेकिन बच्चे तो डिपेंडेंट है, बच्चे जो डिपेंडेंट है वो तो वालदेन लेने आएंगे या कोई स्कूल वैन का सिस्टम होगा, तो वहां पर आप लोगों को बड़ा उसमें एहतियात करनी होगी। मैं अभी टेक्निकली मुखातिब हूँ तारिक शाह साहब से कि स्कूल की हद तक तो हो गया, अब आगे का क्या होगा, क्योंकि वो सिर्फ कहानी स्कूल की तो नहीं है ना, वो तो आगे भी होगी ना जी। क्या कहना चाहेंगे तारिक शाह साहब? देखिए बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए मेरा क्वेश्चन हमेशा गवर्नमेंट से, और मैं इस पे आपकी बात पे भी एक चीज पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि बच्चों का सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो सिर्फ स्कूल नहीं है, वो गली मोहल्ले वो स्ट्रीट्स भी हैं जहां बच्चे आज भी इस वक्त भी रोजाना खेल रहे हैं, अपने साथ सोशल इंट्रैक्शन कर रहे हैं बच्चे, तो खुदा ना खास्ता वायरल वहां से भी कैच हो सकता है। लेकिन देखिए जिम्मेदारी जहां तक स्कूल की है वो हमारी है, उसके बाद कुछ जिम्मेदारी पेरेंट को भी लेनी पड़ेगी, पेरेंट को चाहिए कि वो जो वैन ड्राइवर जो उनका सब्स्टिट्यूट स्कूल में पिक करने आता है, अब पेरेंट को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद दें, और वो किया जा सकता है, इसमें कोई कोई बड़ी साइंस नहीं है कि वो अपने बच्चों को खुद छोड़ने आए, खुद लेने आए, अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो मदर आ जाए, मदर नहीं आ सकती तो घर का कोई भी रिलेटिव आके पिक एंड ड्रॉप कर सकता है, नाना नानी दादा दादी या कोई चाचा मामू कोई भी आ सकता है, तो ये प्रैक्टिकल है। लेकिन देखिए अगर इतने लंबे अरसे के लिए हम बच्चों को घर पे बिठा देंगे तो एक तालीम का जो नुकसान होगा उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसके असरात अभी नजर नहीं आएंगे लोगों को, आगे जाके जरूर नजर आएंगे, जब ये बच्चा जो है ना वो एक साल का गैप आएगा तो हर जगह उसको जो है ना कहीं वो डिफॉल्ट कर रहा होगा या कहीं ना कहीं वो महरूमी का शिकार हो रहा होगा एजुकेशन वाइज जहां तक बात करते हैं। लेकिन दूसरी बात एक ये है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन की जो बात हो रही थी, तो देखिए इसमें ऑनलाइन पे आना इतना मुश्किल काम नहीं है, ऑनलाइन पे कल से स्कूल जो है वो स्टार्ट कर सकता है ऑनलाइन टीचिंग, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जहाँ छोटे बच्चों की बात होती है, मिस सना ने बहुत अच्छी बात की कि छोटे बच्चों को स्कूल में कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा होता है, तो हम अगर ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाएंगे तो वहां बिठा के पढ़ाना एक और मसला है ऑनलाइन में। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बेसिक मसाइल हैं, हमारे यहाँ इंटरनेट के मसाइल हैं, हमारे यहाँ गैजेट्स के मसाइल हैं, एक घर के अंदर अगर चार बच्चे हैं तो चार मोबाइल नहीं होंगे उस घर के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग में बच्चों को पढ़ना है, तो ये एक 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 चैलेंज है जिसको फौरी एड्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जरूर उसको हमें आना चाहिए टेक्नोलॉजी की तरफ। और दूसरी बात ये है कि देखिए टीचर की जहाँ बात हो रही थी, मेरे पास तवातों से टीचर की कॉल आ रही है कि आप ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाएंगे, तो उनका कंसर्न एक ही है
कि बच्चों को जब वो फिजिकली पढ़ाते हैं तो उनका आई कॉन्टेक्ट जो है ना बच्चों के साथ होता है, कौन सा बच्चा समझ पा रहा है कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा वो टीचर उस वक्त जज कर रहा होता है। तो ऑनलाइन पढ़ाते हुए टीचर ये जज नहीं कर पाएगा, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगी बच्चों के साथ। मैं एक सवाल करना चाहूंगा वो ये, तारिक शाह साहब बिल्कुल सही बात है कि जाहिर है ऑनलाइन टीचिंग की भी बात की जा रही है और आप भी सही कह रहे हैं, जैसे सर यूसुफ ने भी पॉइंट शेयर किया। मेरा सवाल ये है आप तीनों से, सना से स्टार्ट करूंगा। सना मुझे आप बताएं सबसे पहले तो जो फीस स्टूडेंट्स स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में पे करते हैं, और काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास ये जो है वो सवालात भी आए कि हमें बताया जाए कि हमने जो फीस भरी है अपने यूनिवर्सिटीज में अपने स्कूल्स में कॉलेजेस में वो फीस हमने क्वालिटी एजुकेशन के लिए दी है, ठीक है, और हम अगर अभी ऑनलाइन की तरफ मूव हो जाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमारी उस ऑनलाइन टीचिंग के बाद जो हमें डिग्री मिली है क्या वो उसकी वैल्यू उस लेवल की होगी। और हमें क्योंकि जाहिर है आपको पता है पर सेमेस्टर अगर मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करूं तो बड़ा इशू है होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए फीस पे करना पर सेमेस्टर, और यूनिवर्सिटी की फीस आपको पता है। तो अब इस सिचुएशन में उनका सवाल है कि हमने जो फीस पे की है हमें वो क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन तो नहीं दे सकता, इस पे क्या कहेंगे? सना आपसे स्टार्ट करता हूँ। साथ में आपका बड़ा अच्छा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है एंड आई थिंक आई कैन आंसर इट प्रीटी वेल, बिकॉज अगर मैं अपने खुद के स्कूल की बात करूं तो आई एम डायरेक्टली इन्वॉल्व विद ऑनलाइन टीचिंग और किस तरीके से उसको करना है, इवन ट्रेनिंग फॉर टीचर्स व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन सपोर्ट एक्सटर्नली। तो उसमें देखें हमारे पास इस वक्त इंटरनेट पे बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है जो ये एजेंडा पूरे तरीके से पूरा कर सकती हैं, ठीक है। हाँ, देर आर शॉर्ट फॉल्स एंड देर ऑलवेज बी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वर्चुअल टीचिंग कभी भी रियल टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती है। उसमें हम बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करते हैं, हमें इंडिपेंडेंस का आइडिया होता है कि वो असाइनमेंट खुद कर रहा है, किसी से करवा रहा है, दोस्त से तो नहीं करा रहा। हम बहुत हजार चीजों पर बच्चों को जज करते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन असाइनमेंट, बट अगर हम वर्चुअल टीचिंग की वैल्यू ऑफ मनी पे बात करें तो मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि अगर स्कूल जो है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल, इफ आई टॉक अबाउट माय ओन सेल्फ तो मुझे लगता है कि इफ आई एम सपोज टू मेक एन एसओपी फॉर ऑनलाइन टीचिंग देन आई कैन एंड डेफिनेटली कैन प्रोवाइड वैल्यू ऑफ मनी टू द चिल्ड्रन, बिकॉज हमारे पास आपके पास आपको पता होगा गूगल क्लासरूम है, तो गूगल उसके साथ गूगल स्ट्रीम भी है, टीम्स भी है, एंड देयर अदर सॉफ्टवेयर्स जो हमें रियल क्लास सिचुएशन भी देते हैं। हमारे पास ऑनलाइन ई जर्नल्स का भी ऑप्शन है, लाइव इंटरेक्शन, एंड क्लाउड सर्विसेज के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्लाउड सर्विसेज एक बहुत इफेक्टिव मैनर है जो मैं पर्सनली खुद भी यूज करती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की सर्विसेज, ये सब कुछ है। बट अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक टू द पॉइंट कि ये सारी चीजें ये सेकेंडरी लेवल एंड ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल हैं। अब अगर बात आती है आपके प्री स्कूल की और इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट जूनियर लेवल की जो अपन क्लास फाइव है, इसमें मैथ्स कैपेसिटी आपकी ये जा सकती है कि टीचर आप ऑनलाइन लेक्चर दे दे, ये भी प्राइमरी पे प्री प्राइमरी पे एप्लीकेबल नहीं आता। उसके बाद वो वर्कशीट की पीडीएफ फाइल्स डॉक्यूमेंट फाइल्स पेरेंट्स को भेजे, वो डाउनलोड करें, बच्चों को वो काम कराएं, फिर उसको स्कैन बैक करें और फिर वो टीचर को भेजें, टीचर चेक करें, दिस साउंड्स मोर टीडियस एंड इम्प्रैक्टिकल, और वो अपना एजेंडा नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी लेवल, ओ लेवल, ए लेवल, सेकेंडरी, इट्स डेफिनेटली वैल्यू ऑफ मनी, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, और ये हमारे पास तो आ जाए लेकिन सालों से ये होता भी आ रहा है ऑनलाइन टीचिंग का कंसेप्ट, वर्चुअल टीचिंग। इवन हमारे पाकिस्तान की अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है एंड इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन एंड इट्स गोइंग ग्रेट एक्चुअली। तो लेकिन प्री जूनियर और जूनियर लेवल पे ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। सही बात है कि इस तरह से जो है, यूसुफ साहब आपकी तरफ आता हूँ, आप मुझे बताएं सर यूसुफ, तो मेरा सवाल है कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम जो फीस पे कर चुके हैं, हमने जो फीस पे की है वो क्वालिटी एजुकेशन की है, इस चीज में इस बात भी ऐड करना चाहूंगा कि ऑनलाइन टीचिंग को ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं कि ऑनलाइन टीचिंग की कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत सारी दुनिया भर में जो है वो ऑनलाइन टीचिंग हो रही होती है, और आप लोगों ने भी जिस तरह से आप सर यूसुफ काफी टाइम से ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और अभी भी आपने जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, सवाल का सिर्फ डिफरेंशिएशन ये है कि उनका ये सवाल जो है स्टूडेंट्स का क्या वो गलत है
और क्या उनके साथ ये ना इंसाफी नहीं हो जाएगी कि जिस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए उन्होंने फीस पे की है यूनिवर्सिटीज को, उनको ऑनलाइन की तरफ लेके जाया जा रहा है? देखें, यहाँ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सवाल आपका अच्छा जब लगे, जब आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हो। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो टेक्निकली स्पीकिंग यू आर लेफ्ट विथ नो चॉइस। आपको तो एक ही ऑप्शन उठाना है अभी, यानी कि मैं अगर बोलता हूँ कि नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग तो बड़ी फजूल चीज़ है, कल से मैं इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएंगे पुलिस वाले, आ जाएंगे रेंजर्स वाले, आ जाएंगे बोलेंगे भाई बंद करें, आप SOPs का ख्याल नहीं कर रहे, फलाना है ये। तो बात ये कि जब ऑप्शन खुल जाएगा, अगर खुल जाएगा ना, तो हमारा टॉपिक भी ये है कि SOPs कैसे फॉलो करेंगे, क्या खाका हमारे जहन में, क्या खाका जो है वो सिंध गवर्नमेंट बना के दे रही है। तो अगर आप इसके ऊपर बात करते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स के लिए वो ज्यादा वो है या नहीं है, हमारे वाले केस में, यानी कि हमारे वाले केस का मतलब है कि हम जो अभी बात कर रहे हैं, जो हम जिन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ले रहे हैं, उसमें यकीन करें ऑनलाइन में कोई इश्यूज नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग वो बल्कि और ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमारी जब क्लासेस वैसे भी होती थी ऑन साइट क्लासेस, तो हम स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे और अलग से फीडबैक देना होता था, तो हम वैसे भी देते थे। जैसे स्पीकिंग हो रही है तो वॉइस नोट भेजा उन्होंने, अभी भी वो किया। और जो अभी खातून का मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, सना उफरान मेरे ख्याल में, उन्होंने एक बात बहुत जबरदस्त कही कि उन्होंने बोला ना कि बच्चों की मॉनिटरिंग भी तो कर रहे हैं, खुद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, अब हमारे इसमें तो मैं तो अभी बार बार कह रहा हूँ कि मैच्योर लोग हैं, लेकिन पता है आपको मैं क्या करता हूँ? मुझे अगर कोई ऐसे लिखने के लिए देना होता है तो मैं बोलता हूँ कि ये टॉपिक है, ये मैंने आपको सेंड किया है, विद इन 50 मिनट्स आप भेजें। अगर आपने विद इन 50 मिनट्स भेजा तो मैं चेक करूंगा, वरना नहीं। तो उसके पास ना गूगल वूगल करने का टाइम नहीं होता है। अब ये सब चीजें ना थोड़ी साथ एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, क्योंकि मतलब इसमें स्टूडेंट्स बुरा नहीं माने, लेकिन बाद दफा स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि भाई ये आपने गूगल करके किया है। अच्छा, वो क्यों पता लग जाता है? इसलिए पता लग जाता है कि हमें पता होता है कि इस स्टूडेंट का क्या पोटेंशियल है, तो वो तो जाहिर बात है उस आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, बहुत अच्छा हो गया, तो जाहिर बात है वो एक मॉनिटरिंग इसमें भी होती है ऑनलाइन में, लेकिन बच्चों के साथ तो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सही बात है कि जाहिर है टीचर तो फिर टीचर होता है, लेकिन ये भी आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, चॉइसेस नहीं है, कि चॉइसेस तो है ही ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तारिक शाह साहब, आपकी तरफ आऊंगा, आप इस पॉइंट पे क्या कहना चाहेंगे? जो ये वाला मामला है, सर यूसुफ ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट शेयर किया कि कॉमन सेंस की बात है कि अभी अपने पास चॉइसेस नहीं है और हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो ऑप्शंस नहीं है जिसके हम जिसपे चूज कर सकें। और ये भी है बिल्कुल कि अगर कोई फिजिकली जाके अपना कोचिंग सेंटर या अपना कॉलेज कुछ भी खोलता है तो उसको जो है आगे हर्डल फेस करनी पड़ेगी पुलिस रेंजर्स और अपने KMC जो इस तरह के इदारे हैं। तो तारिक शाह साहब, आप मुझे बताएं कि आप जो सवाल मैंने उठाया और सवाल मैं कर रहा हूँ वो मुझे बताएं कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि अभी ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि स्कूल्स का भी मैं कुछ ओ लेवल्स ए लेवल्स के बारे में भी आप शायद मेरे ख्याल में आपको खबर होगी, उनको भी जो है कुछ अभी तक मुस्बत जो है ना रिस्पॉन्स नहीं मिला है कैम्ब्रिज और ओ लेवल्स के बच्चों को भी। तो ये वाला जो फैक्टर है, स्टूडेंट्स इसमें बड़ा पजल है, आप इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जो आपका एक सवाल का पार्ट तो ये है कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स में क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, तो देखिए वहाँ तो जहाँ बात की एग्जामिनेशन की बात की जाए 9, 10, 11 and 12, 13, तो वहाँ तो ये कह दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस इन द स्कूल, उसके बेसिस पे एक पूरा मैकेनिज्म जो है ना वो बना के दे दिया है, जिसपे एनालिसिस किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है रिजल्ट, और फिर जा भी चुका है, फाइनल डेट तो निकल भी गई है, तो स्कूल्स ने सबमिट कर दी है। और दूसरी बात यह है कि उसमें भी ऑप्शन दिया गया था कि बच्चों को अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है कि उनके असेसमेंट बेस्ड जो है वो रिजल्ट बने, तो उनको ऑप्शन दिया गया है कि वो अक्टूबर नवंबर इंटेक में जाके अपेयर हो सकते हैं, तो वहाँ ऑप्शन है, तो बच्चे जाके वो दोनों चीजें कर सकते थे। तो दोनों केसेस में स्कूल ने बच्चों से राबता करके ये मामला डील कर लिया। तो दूसरी बात यह है कि क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ बात है, देखें मैं बिल्कुल इसमें अप्रिशिएट करना चाहूंगा स्कूल्स को भी और उन टीचर्स को भी जो कन्वेंशनल मेथड से पढ़ा रहे थे और जैसे ही पेंडेमिक आया तो वो ऑनलाइन टीचिंग की तरफ शिफ्ट हुए, और दे हैव डन अ ग्रेट जॉब कि वो उतनी
तेजी से उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया और आकर उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्लासेस कंडक्ट हुई, जहां जहां कंडक्ट हुई मेरे रिव्यूज जहां तक मैंने सुने उसमें बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट हुए। इतनी शायद एक्सपेक्टेशन हमें भी नहीं थी कि इतने अच्छे स्कूल या टीचर्स उसको कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि एक वही वाली बात कि कोई और ऑप्शन नहीं था, एक ही ऑप्शन था वो ऑनलाइन था। तो अब उसके बाद जब क्वालिटी एजुकेशन की बात है ना, देखें क्वालिटी एजुकेशन जरूर है जब पढ़ाया जा रहा है और टीचर अपना पूरा टाइम दे रहा है और पूरे असाइनमेंट्स दे रहा है तो क्वालिटी एजुकेशन तो है। सिर्फ फर्क क्या है कि बच्चा फिजिकली नहीं बैठा हुआ वहां पर, लेकिन जितना पढ़ाना था उनको स्कूल में वही पढ़ाया गया ऑनलाइन, तो इसमें कोई फर्क तो नहीं आया, बल्कि कॉस्ट बढ़ गई स्कूल की क्योंकि ऑनलाइन आने में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा यूज हुआ। तो उसमें ऑनलाइन आने में जैसे गूगल क्लासरूम की बात हुई, वहां स्कूल्स ने अपनी पेमेंट की मंथली, तो ये सब कॉस्ट बढ़ी। बिल्कुल सही बात है कि टीचर्स जो हैं वो जाहिर सी बात है एफर्ट करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे अपनी राय रखता हूँ तारिक शाह साहब कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि टीचर मेहनत नहीं कर रहा और बिल्कुल जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो उसकी क्वालिटी में जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ फिजिकल टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में कुछ ना कुछ थोड़ा हद तक डिफरेंस है। मैं ये चीज नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो शुरू में हमने स्टार्ट में बात की परवरिश के हवाले से वो मुख्तलिफ एक्सट्रैक्ट में होती है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि ऑनलाइन टीचिंग एक अपना उसका इम्पैक्ट है, साथ साथ जो फिजिकल फिजिकली जाके पढ़ाना है वो एक अलग चीज है। तारिक साहब मुझे ये बताएं कि सिंध हुकूमत की तरफ से अभी कुछ दिन कबल आपको भी पता होगा कि 9 मैट्रिक के एग्जाम्स के हवाले से जो है वो एक न्यूज आई कि जून में जो है वो 9 मैट्रिक के एग्जाम्स होंगे, फिर जुलाई में ऑनवर्ड्स जो है वो मजीद क्लासेस के जो है वो एग्जाम लिए जाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों से कोई राबता किया गया, कोई सिंध हुकूमत और आपके दरमियान प्राइवेट स्कूल्स के एसोसिएशन के दरमियान कोई राबता हुआ स्कूल की एसओपीज, क्योंकि जाहिर है ताजिरों ने भी बड़ी एफर्ट्स की, तो उसके बाद कुछ हद तक आपको पता है वजीर आला सिंध से जो है उनकी मुलाकातें हुई और दीगर मुलाकातों के बाद कुछ उन्हें ऑप्शंस दिए गए, तो आपकी कोई मुलाकात या आप लोगों से कोई राबता हुआ सिंध हुकूमत का? जी बिल्कुल, देखें जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है सईद गनी साहब, उनसे हम पूरे तरह से जो है ना इंटैक्ट हैं और मामला उनके साथ चल रहे हैं। जो अभी कल जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर भी हम मौजूद थे, तो गाये बगाये जो भी मामला चल रहे हैं स्कूलों के उसमें हम पूरे ऑन बोर्ड हैं, लेकिन उसके अंदर देखें जहाँ तक 9-10 के एग्जाम्स की बात है उस पर ये फेडरल की मीटिंग कल है और 29 बोर्ड्स पूरे सिंध के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिसके सजेशंस जो हैं वो आज भेज दी गई हैं और उसके बाद जो है वो अब डिसाइड किया जाएगा कि आया एग्जाम लेने हैं या नहीं लेने, अगर नहीं लेने तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा, लेकिन हमारी सजेशन ये थी कि एग्जाम लेने चाहिए और ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पता नहीं क्यों इसमें कोरोना वायरस को सिर्फ एजुकेशन की हद तक क्यों रख दिया गया है, जबकि सारी चीजें ऑन हो रही हैं उसमें कोई मसला नहीं है तो एजुकेशन में क्यों मसला आ रहा है, जबकि देखें हमने एक सजेशन ये दी थी कि एक स्कूल की बिल्डिंग में 500 बच्चा मौजूद होता है कम से कम, वैसे यूजुअली 600-700 होता है, तो अगर और उसमें 9-10 के बच्चे हार्डली कितने होते होंगे 100, तो अगर हम उसी बिल्डिंग को यूज करते हुए सेंटर वही बना दें और सेंटर के टीचर्स जो हैं वो किसी और स्कूल के आ जाएं, स्वैप कर लिए जाए, हमारे स्कूल के टीचर किसी और उसमें चले जाएं, किसी और स्कूल के हमारे उसमें आ जाएं, ताकि इनवेलिजेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एग्जाम हो सके। क्योंकि एग्जाम के बगैर मैं आपको बताऊं अगर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा तो उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो ये है कि अगर लास्ट ईयर बच्चों का रिजल्ट खराब आया था तो उनके पास अगले साल ये ऑप्शन होता है कि वो और अच्छा पढ़ें और अपने ग्रेड को इम्प्रूवमेंट दे दें, अब वो ऑप्शन का खत्म हो गया, अब पास रिजल्ट के हिसाब से उनको ग्रेड दे दिया जाएगा, एक तो नुकसान ये होगा। दूसरा ये है कि अगर एग्जाम के बगैर उनको पास किया जाएगा तो उनकी इवेल्युएशन नहीं हो पाएगी, आगे जाके अगर वो एडमिशन्स लेंगे कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज के अंदर तो फिर वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होंगे उस हिसाब से। तो दोनों केसेस के अंदर आपको एग्जाम लेना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का ही मसला है ना, तो वो बहुत आराम से हो सकता है। कराची की बात की जाए तो अराउंड 6,000-7,000 स्कूल मौजूद हैं कराची के अंदर, तो और इसके अंदर जो है ना वो हार्डली कराची की अगर फिगर मैं देखूं सिर्फ तो 3 लाख बच्चा या 2.5 लाख बच्चा अपेयर होता है एक साल में, तो उसको आराम से स्प्रेड आउट किया जा सकता है। और हमने एक सजेशन ये भी दी थी कि अगर सेंटर्स इंक्रीज नहीं करने तो ऑलरेडी जो सेंटर्स बने हुए
तो पेपर को शॉर्ट किया जाए, एक घंटे का किया जाए और तीन फेजेस के अंदर उसी सेंटर को यूज करते हुए एग्जामिनेशन लिए जा सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे और इसको सीरियस ले एजुकेशन को, तो ये सारे मामला पॉसिबल हैं। लेकिन वही वाली बात कि कोरोना सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक ही महदूद है, बाकी किसी जगह कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद दोबारा शो में ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। शो के एंडिंग की तरफ चलेंगे और सना गुफरान आपसे दोबारा शुरू करूंगा। तारिक शाह साहब से बात हो रही थी। तारिक शाह साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये सूरत हाल है और उसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि पेपर्स की टाइमिंग को शॉर्ट और पेपर को थोड़ा शॉर्ट करके जो है उस तरफ जो है चीजों को मतलब मैनेज किया जा सकता है अगर थोड़ा सा देखा जाए। सना गुफरान, आपसे मेरा सवाल होगा, ये बताएं कि जाहिर है थोड़ा सा शो में ये लग रहा होगा लोगों को कि शायद मैं या हम लोग ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। मेरा सवाल ये है कि मुझे बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जाहिर है जो स्टूडेंट का माइंड सेट होता है, स्टूडेंट किसी का नहीं होता, ये तो आप लोग माशाल्लाह टीचर हैं, आपको पता होगा। तो स्टूडेंट जो इस वक्त कन्फ्यूजन में, एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन में है, एक तरफ उनको ऑनलाइन टीचिंग के लिए फोर्स किया जा रहा है, ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत अच्छे तरीके से काफी जगहों पे की जा रही है, बड़े अच्छे प्रोफेशनल टीचर्स हैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहे हैं, और अभी जो सूरत हाल है कोरोना और पेंडेमिक की, आप बीइंग एक प्रोफेशनल टीचर क्या देखती हैं इस चीज को कि अगर जो है कोरोना मजीद बढ़ता गया तो किस तरह से जो है वो सिचुएशन किस तरफ जा रही है? कि जाहिर है टीचर जो है उनके लिए भी बड़ा इशू होगा जो स्कूल्स में पढ़ाती हैं या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाती हैं। तो आप सिचुएशन को आपकी नजर में आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगी कि ऑनलाइन ही हो जाना चाहिए तमाम यूनिवर्सिटीज को इस वक्त, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, या जो तारिक शाह साहब ने एड ऑन किया कि कैपेसिटी को कम कर दिया जाए, किस तरह से देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साथ, सबसे पहली तो बात है कि अब तो जो होना था हो गया, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हो चाहे वो कैम्ब्रिज के पेपर, ठीक है। अब आ रही है हमारी बात अगले सेशन की, और जब हम अगले सेशन की बात करते हैं तो वो जारी सी बात है ईद से पहले तो होना नहीं है। हम बात करें जुलाई अगस्त एंड कैम्ब्रिज की अगर बात करूँ तो कैम्ब्रिज अगस्त से स्टार्ट होता है। अब देखें कोरोना फैलने की जो सिचुएशन है, जो हमारे हालात हैं, जो जो हम लोग देखते हैं मार्केट की जो सिचुएशन है, जो लॉकडाउन हट गया है, जितना उसको वर्स जाना होगा वो सूरत हाल तो हमें अगले 14 दिन में बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, बाजारों में देखा होगा जो हालात है। अब आपके पास दो सूरत हाल होती है कि एक के कंट्रोलेबल है और एक नॉन कंट्रोलेबल है। जैसे तारिक साहब ने कहा था कि स्कूल एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे आप एसओपीस को बाजार से ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और ये आइडियाज जो ऑलरेडी इन्होंने सोचे हुए हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड आई टोटली वाउच फॉर इट। आपने अपने बच्चों की क्वांटिटी कम कर दी, आपने एग्जामिनेशन में ये आइडिया, तो इट डिडंट क्लिक मी बट आई वाज रियली इंप्रेस्ड कि आप जहाँ पे अगर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो आप लोग पूरा कैंपस बिल्डिंग लेके एक क्लास में 7 से 8 बच्चे के 10 बच्चे 12 बच्चे भी कर लें तो इतनी स्पेस है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से हल हो सकता है। तो जब आपके पास सॉल्यूशंस हैं, आपके पास एसओपीस बने हुए हैं,
आप जब मार्केट जैसे पब्लिक स्पेस पे इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, देन व्हाई नॉट स्कूल? आई नो ऑनलाइन टीचिंग इज एन एक्सलेंट ऑप्शन, बट जैसे यूसुफ साहब ने बोला, दैट इज आवर ओनली ऑप्शन राइट नाउ, हम मजबूर हैं. लेकिन अगर हमारे ऊपर से मजबूरी हटा दी जाए, स्कूल्स को एसओपी के अंडर दोबारा रीओपन करें, तो आई थिंक कि ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही बेटर फैसला है, रादर देन हम लोग बिल्कुल अपने आप को रियल टीचिंग से आइसोलेट करके कहें भाई होगी तो वर्चुअल टीचिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी. हर चीज के आपके प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो मतलब व्हाई टू गो डू द हार्ड वे व्हेन यू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान फॉर द इजी वे एंड द राइट वे एक्चुअली टू. तो स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो कंफ्यूजन में? और बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है कि स्कूल्स और कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस वो वैसी जगह है, वैसी टेरिटरी है कि जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वाले फैक्टर को बड़ी अच्छी तरह जो है वो फॉलो किया जा सकता है. मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए, मैं तो अभी सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगी दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ वर्ल्ड पेंडेमिक and this is not something that will last forever. Abhi, all that is required from their teachers, from their parents to have patience, to understand how serious the situation is. This time will also pass and they should in fact utilize this time more in a more productive manner, in learning things they did not give time to learn before, in cooperating with the family, in by cooperating with the teachers, and just wait for this phase to go over. मैं सिर्फ बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि सब्र से कॉपरेशन के साथ इसे डील करें और नेगेटिव माइंडसेट ना रखें. कोई ना स्कूल ना गवर्नमेंट इनके एजुकेशन की ना दुश्मन है ना उनको इशू है, बस ये सिचुएशन ऐसी और इसमें तो पूरी दुनिया ही सफर कर रही है. ठीक ठीक सर यूसुफ आपकी तरफ आऊंगा. आप मुझे बताएं, जाहिर है आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझिएगा कि आपकी ऑनलाइन टीचिंग जो है उसको मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं जनरल एक्सपेक्ट पे बात कर रहा हूँ कि जाहिर है दोनों तरफ ही क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे लिए. आपका बीइंग प्रोफेशनल टीचर, अपना इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को जब तक ये पेंडेमिक की कोई एंडिंग नहीं है तो वी शुड गो टू ऑनलाइन क्लासेस कम्प्लीटली, या जैसे तारिक शाह साहब ने एक पॉइंट ऐड किया कि, और अभी जैसे सना गुफा ने बड़ी जबरदस्त बात की कि वो टेरिटरी स्कूल्स कॉलेज इंस्टीट्यूट की बड़ी जबरदस्त टेरिटरी है हमारे पास जहाँ प्रॉपरली एसओपी मेरे ख्याल में फॉलो हो सकती है मार्केट्स और इसके बनस्पत. तो आपका अपना क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वी शुड गो फॉर ऑनलाइन और के या एसओपी को फॉलो करते हुए स्कूल्स कॉलेजेस को खोल देना चाहिए? गया और ये लॉकडाउन का ईज का मामला हो गया कि आपने थोड़ा उसको ईज डाउन कर दिया, तो ठीक है आप एसओपीज को फॉलो करते हुए आप क्लासेस कंडक्ट करवाएं फिजिकली. लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जो लोग बहुत सारे जो कंप्लेन करते हैं ना, तो उसकी वजह होती है, वजह यह है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस बहुत पहले 2005-2006 से कंडक्ट कर रहा हूँ लेकिन इतने बड़े स्केल पे कभी नहीं की थी. इतने बड़े स्केल पे जो मेरी पहली और दूसरी क्लास थी, इट वॉज लाइक अ मैस. अब मुझे वो एथिक्स कि भाई आप जब जूम पर आए हैं तो माइक ऑन करना है, मतलब म्यूट करना है या अनम्यूट करना है, रेज हैंड का ऑप्शन है, तो इसकी भी तो एथिक्स है ना, इसमें भी तो टाइम लगा थोड़ा समझने में. समझ रहे हैं आप? यानी कि हमें अब जब हमारी ओरिएंटेशन क्लास होती है, कोई डेमो क्लास होती है, तो पहले हम उस कोर्स को नहीं कवर करते हैं, पहले हम उसको बताते हैं कि देखें दीज आर द थिंग्स विच आर सपोज टू फॉलो, उसके बाद फिर आगे कहानी बढ़ती है. फिर उसके बाद वो कनेक्टिविटी सिर्फ उस पर नहीं रहती है, वो व्हाट्सएप के थ्रू भी होती है, आपको चीजें भेजना, ये करना, मतलब एक मेरे कहने का मकसद ये हुआ कि आप जब ऑनलाइन क्लासेस पे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जिसको मैं कहूंगा उर्दू में मुंह उठाकर आप ऑनलाइन क्लासेस वो कर दी. अगर आपके पास चीजें उस फॉर्मेट में, उस पैटर्न पे मौजूद ही नहीं है तो आप कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे? आपके पास पीडीएफ में चीजें हैं नहीं है, आपके पास बहुत सारा सेटअप होता है ना उसका. अब किसी टीचर ने लाइफ में कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, अब उसको बोला जाएगा आप ऑनलाइन पढ़ा दें कल से, आप खुद सोचिए कैसे पढ़ाएगा. लेकिन बाकी रहा ये वाला मामला कि जब इंशाअल्लाह ताला जब हालात सही होंगे तो फिर अगर ऑप्शंस हैं, तो जो बात की इन्होंने तारिक शाह साहब ने कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करें, कुछ भी ऐसा करें, लेकिन बात वही है कि अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप कर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाबी भी देगा अगर आप करना चाहते हैं तो. ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जो सर यूसुफ आपने ऐड किया कि
बहुत पॉइंट की बात है कि जाहिर सी बात है ये पूरा इसकी एथिक्स है, और एक मैं इस कहूंगा कि ट्रेनिंग एक ऑनलाइन को लोग ये समझते हैं कि बस मोबाइल उठाया इंटरनेट चलाया और ऑनलाइन, इट्स नॉट लाइक दिस एट ऑल। ये बिल्कुल बहुत पॉइंट की बात है कि जिस टीचर ने कभी ऑनलाइन पढ़ाया ही ना हो उसको बिल्कुल एक ये नहीं होता कि कैमरा ऑन करके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके आप शुरू हो गए। ये बिल्कुल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो एथिक्स हैं, जो उसकी टेक्निक्स हैं, तमाम तर चीजों के बारे में जानना भी जरूरी है। ये आपको सब चीजों का पीडीएफ का जैसे आपने जिक्र किया और बाकी चीजों का जो जिक्र किया, तो कहने की बात यह है कि बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज बहुत मैटर करती है कि ये जो फेस चेंज हो रहा है ना ऑनलाइन और फिजिकल टीचिंग में, इस इन दोनों के चेंजेस को भी के लिए भी बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा। बहरहाल सर यूसुफ, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके? तो माशाल्लाह काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आप देख रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको फॉलो भी करते हैं, क्या मैसेज आपका स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज दूंगा कि वो जल्दबाजी ना करें। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरन बोलते हैं कि सर मैंने टेस्ट डेट ले ली है, कि ब्रिटिश काउंसिल ने बोल दिया है या आईडीपी वालों ने बोल दिया है। अब मुझे मजबूरन बताना पड़ता है कि बेटा ये जो आपको बता रहे हैं इनको खुद को नहीं पता है अभी क्या होगा, और लिटरली ऐसा ही हो रहा है। हर 10 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद वो टेस्ट डेट एक्सटेंड की जाती है। तो जो लोग अभी है ना वो समझ रहे हैं कि अगर मैंने अपना टेस्ट दे दिया या मेरा फलाने फलाने चीज हो गई तो मैं अप्लाई कर दूंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है, जब बाउंड है तो सब लोग बाउंड है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने टेस्ट दे दिया और आपके पास आ गया और आपने अप्लाई कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो मैं स्टूडेंट को ये मैसेज दूंगा कि थोड़ा सा धीरज रखिए, सब्र कीजिए, और जब हालात सही होंगे तो उसके लिहाज से चलिए। आपको ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं और कंफर्टेबल है तो वो लेके चलते रहे। हमने तो स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया हुआ है, जिन लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगता है तो वो उसको बाद में भी रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारे वाले केस में इसलिए कि हमारे इसमें इंडिविजुअल ट्रैक होता है, लेकिन ये जो आप लोगों का सेटअप है स्कूलिंग वगैरह का इसका, तो इसमें तो ये आप स्टूडेंट को नहीं कहेंगे ना कि बेटा जब आपको अच्छा लगेगा ना तब ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ऑब्वियसली इन दैट केस इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तारिक शाह साहब, आपकी तरफ आऊंगा, आप मुझे बताएं कि एक सबसे पहले तो आपसे सवाल होगा छोटा सा, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स ने जो है मुझे स्पेशली कहा कि सवाल आपसे करना चाहिए, और उसके बाद आपसे भी जानूंगा कि आप भी बताएं कि अभी सिचुएशन में सना गुफरान ने जिस तरह से डिस्कस किया, यूसुफ ने जिस तरह से डिस्कस किया, दोनों के बड़ा अपनी अपनी जगह वैलिड पॉइंट है, और आपने भी बड़ी जबरदस्त बात की कि हम अगर कैपेसिटी को कम कर दें तो हम इस तरफ जा सकते हैं। और मुझे बताएं कि अभी बीच में थोड़ी सी बात हुई थी कि कुछ स्कूल जो हैं वो कुछ परसेंट फीस मेरे ख्याल में बढ़ा रहे हैं, और कुछ इस तरह का मामला था, तो उस पर थोड़ा सा अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि अभी हमारे पास 2-3 हफ्ते पहले कुछ खबरें भी आई थी ऐसी कि कुछ स्कूल जो हैं वो फीस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो डोंट टेक इट कॉन्ट्रोवर्शियल, बट थोड़ा सा पेरेंट्स को इस हवाले से भी बताइएगा, साथ साथ अब आप ये भी बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन की तरफ अभी टोटल डाइवर्ट हो जाना चाहिए या कैपेसिटी को कम करके थोड़ा सा जो है वो हम फिजिकली जो है वो स्कूल और कॉलेज ओपन करें। देखें, एक तो बात ये है कि 20% बढ़ाना तो दूर, यहाँ तो 20% कम किया जा रहा है, तो स्कूल की फीसेस को तो 20% तो कम कर दिया गया है, और मेजोरिटी स्कूल्स ने कम किया है। कुछ स्कूल्स हाई कोर्ट चले गए थे और उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया उसके ऊपर कि 20% कम करने का राइट नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो वो स्टे ऑर्डर के बावजूद मेजॉरिटी स्कूल्स ने माँ बाप की परेशानी को देखते हुए 20% फीस कम कर दी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। तो अभी तो बढ़ाने का तो कोई सोच ही नहीं रहा, अभी तो वापस जो हम ले रहे थे उसी पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने बात की ऑनलाइन टीचिंग की, देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें ऑनलाइन टीचिंग को टोटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, वक्त की जरूरत यही है, फ्यूचर यही है, पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, तो व्हाई नॉट अस। लेकिन ड्रास्टिकली एकदम ओवर द नाइट हम चेंज नहीं ला सकते। हाँ, काम स्टार्ट कर देना चाहिए, स्कूल्स को ऑनलाइन की तरफ आने का रास्ता अपना लेना चाहिए। करंट सिचुएशन के लिए फिजिकल स्कूल लगाना जरूरी है, ताकि वो जो हम जब तक सीख रहे हैं, स्कूल सीख रहे हैं,
कि ऑनलाइन कैसे आना है, अपने करिकुलम को कैसे ऑनलाइन लेकर आना है। बात सही की गई कि इसके ऑनलाइन आने के लिए पीडीएफ फाइल्स, वीडियोस, ये सब चीजें, पहले मटेरियल रेडी होना चाहिए। तो ये सब चीजें अब मेरे ख्याल से स्कूलों को सोचनी चाहिए और अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। मीन वाइल वो फिजिकल क्लासेस लें, ताकि दोनों का जब ब्लेंड साथ चलेगा तो कभी भी खुदा ना खास्ता अगर फॉरेन शिफ्ट करना पड़ा तो हम फिर उस वक्त रेडी होंगे। तो ये बात तो तय है कि हमें दोनों साथ लेके चलना है। तीसरी चीज ये करंट तारिक साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आपने जो कहा वो मैंने सुना कि मैं कह रहा हूँ एनुअली कुछ 20% का कुछ सिलसिला था, एनुअली कोई 20% फीस बढ़ाने की कुछ खबरें आई थी, तो मैं आपसे उसकी तस्दीक करना चाह रहा हूँ कि क्या आया ऐसा है क्या नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ पेरेंट्स को, तो मैं उसी हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि वो एनुअली जो है सालाना कुछ 20% का कुछ है, कुछ स्कूल्स का ऐसा प्लान चल रहा है या नहीं, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए 20% नहीं बढ़ा सकते, वो इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि स्कूल्स की रिस्ट्रिक्शन है कि वो 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाएंगे। जो अभी पूरा सुप्रीम कोर्ट का केस चला था उसमें अब ये डिसीजन आ गया था कि स्कूल 5% से ज्यादा सिंध में नहीं बढ़ा सकते, पंजाब में 8% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते और केपीके में 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये तो लिमिट्स लगी हुई है प्रोविंशियल वाइज। लेकिन सेकंड चीज ये कि जो आप न्यूज कह रहे हैं ये न्यूज स्कूल की नहीं थी, ये न्यूज यूनिवर्सिटीज की आ रही थी कि यूनिवर्सिटीज ने प्लान किया है कि वो अपनी फीस बढ़ाएंगे। तारिशा साहब कुछ स्कूल्स की जो है वो कुछ स्कूल ने जो है बढ़ाने का मतलब फैसला किया है, कुछ हमारे पास जो समझ लें कंप्लेंट मौसूल हुई है, तो अगर मैं उनकी डिटेल आपसे शेयर करूं तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह करेंगे या कुछ इस तरह के कुछ होता है जी बिल्कुल हम स्कूल से बात करेंगे, आप डिटेल मुझसे शेयर कीजिएगा तो हम भी इस मामले को टेकअप करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। ठीक है तारिक साहब, लास्ट आप मैसेज क्या देना चाहेंगे तमाम स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं, आपको भी काफी लोग माशाल्लाह काफी स्टूडेंट्स जानते हैं, आपका क्या मैसेज होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल में, और जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के स्टूडेंट हैं सबके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए बात यह है कि कोरोना वायरस तो एग्जिस्ट करता है, इसको कोई निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो अपने आप को सेफ रखना है, अपने घर वालों को सेफ रखना है और अपने आप को बचाना है। ये नहीं है कि आप ये कह के घर से बाहर निकले कि कोरोना है ही नहीं, तो अपने आप को सेफ तो रखना है और पेशेंस से काम लेना है। ये मामला बिल्कुल सीरियस है और लंबा भी जा सकता है, तो अगर हम पेशेंस के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ यूनिटी रखेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो अगर हम सब मिलकर सब साथ चलेंगे इस मामले में तो हम अच्छे तरीके से बेहतर कौम होकर जो है वो इसका सामना कर सकेंगे। सेकंड चीज ये कि ये मैं पेरेंट्स से मुखातिब होना चाहूंगा इसमें स्पेशली, कि ये वो वक्त है कि जब पेरेंट भी अब घर पे हैं और बच्चे भी घर पर हैं, तो वो जो बॉन्ड अब जो नई जनरेशन में हम देख रहे थे कि एक गैप आ गया था बच्चों के अंदर और पेरेंट के अंदर, एक बच्चे जो है वो अपने एक अपनी मोबाइल लाइफ या कह लें सोशल लाइफ में बिजी हो गए थे, पेरेंट अपनी जॉब लाइफ में बिजी हो गए थे, तो अब दोनों को अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है और वो बैठें अपनी फैमिली वैल्यूज उनपे ट्रांसफर करें, इस्लामिक वैल्यूज ट्रांसफर करें, बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बनाएं क्योंकि ये रमजान का महीना है, इसमें दुआएं करें कि अल्लाह मियां इस बाबरकत महीने के जरिए जो है इस पेंडेमिक से, इस कोरोना वायरस से हमें बचाए और इससे निकाले और अब सबको अपने हिफ्ज़ अमान रखें। ठीक सही बात है कि इस रमजान जो अल्लाह ताला चीजों को जो है वो बेहतर करे। मैं समझता हूँ कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है इस वक्त और जाहिर है शो को मुझे एंड करना है, लेकिन आप तीनों गेस्ट जो हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मंडे को जो है वो आप तीनों मुझे दोबारा ज्वाइन कर सकें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस वक्त वो जमा हुए हैं आप तीनों से मुतालिक, और जाहिर इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है तो मजीद हम शो को आगे नहीं लेके चल सकते, तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी तीनों गेस्ट से कि हम इसी शो का जो है पार्ट टू वो मंडे को कर सकें, अगर आप तीनों टाइम निकाल सके तो मैं आपका बड़ा थैंकफुल होगा। आप तीनों के लिए अवेलेबिलिटी होगी मंडे को तो मुझे थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल इंशाल्लाह हाजिर हैं, इंशाल्लाह। देखिए आप ऐसे दौर में पूछ रहे हैं तो हम बोलेंगे फारिजी फारिजी हैं, हाँ क्लासेस चल रही है उसकी टाइमिंग अलग है, अफ्तार के बाद मैंने कोई क्लास नहीं रखी होती, अगर रखी होती है तो लेट। चले फिर कुछ ना कुछ जो है वो मैनेज जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त जाहिर है कि मेरे पास रिक्वेस्ट काफी सारी हैं और टाइमिंग बिल्कुल शॉर्ट मेरे पास बचा है तो मुझे शो के एंडिंग की तरफ जाना पड़ेगा।
और सबसे पहले तो मैं आप तीनों गेस्ट का बहुत ज्यादा मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, और जाहिर है इस वक्त आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे और मुख्तलिफ अपनी स्टूडेंट्स को टाइम दे रहे होंगे। सबसे पहले सर यूसुफ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला शो के लिए। अपनी ऑनलाइन क्लास को जो है ख्याल में आपको मिस करना पड़ा होगा, और आपने शो में आए और आपने बड़े जबरदस्त अपना जो है एक्सपीरियंस है वो शेयर किया ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से, कि किस तरह से जो है वो ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या इम्पैक्ट है ऑनलाइन टीचिंग का। साथ साथ सना गुफरान, आपका भी बहुत मशहूर हूँ कि आप शो में आई, आपने टाइम निकाला और हमसे जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और इसके साथ साथ तारिक शाह साहब, एज यूजुअल आपका हमारा बड़ा पुराना साथ है और मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो आप इस तरह से लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी अपने तीनों गेस्ट से कि ऑनवर्ड्स जो है वो आगे भी हम इंशाल्लाह मंडे को कुछ इसमें प्लान करेंगे। जो पेरेंट्स जो है वो कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं कुछ ऐसे हैं, तो मैं मेरी कोशिश होगी कि मंडे को कुछ पेरेंट्स को भी जो है वो शो में लूँ मैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स जो कंप्लेन कर रहे हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो एक आध कोई ऐसा पेरेंट्स भी हमारे साथ हो जो लाइव आपसे जो है ना वो टीचर्स भी हों आप लोग भी हों, तो एक अच्छा इंट्रैक्शन हो जाएगा, उनकी कंप्लेंट्स भी आप सुन सकेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन माय शो। और इसके साथ साथ जो है मेरा अपना ही मैसेज होगा कि जाहिर सी बात है सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, मुश्किल वक्त है एक दूसरे को साथ देना है सिर्फ हमें, क्योंकि जाहिर है लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह की जो पेंडेमिक देखा है हमने, और टीचिंग की और अभी आज एजुकेशन सेक्टर की जो हमने बात की, तो जाहिर है टीचर्स भी बेचारे। मैं ये समझता हूँ खुद के ऑनलाइन पढ़ाना में जितना मेंटली बंदा परेशान हो जाता है उतना मेरे ख्याल में फिजिकल में फिर भी एक थोड़ा सा होता है, लेकिन दोनों एक्सपेक्ट में जाहिर है कि टीचर्स जो हैं वो कोशिश कर ही रहे हैं। और मेरा अपना ही मैसेज होगा कि जिस डोमेन में भी अभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, चांस मिलता जाए तो ऑनलाइन की तरफ भी हो तो तमाम स्टूडेंट्स उसको भी फॉलो अप करें, और इंशाल्लाह अगर फिजिकली हमारे कॉलेजेस स्कूल्स ओपन होते हैं तो वो तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होगा। तो ये है कि थोड़ा सा सिचुएशन को समझें, वक्त को ज़ाया ना करें, बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, अभी सिर्फ टाइम ही है हमारे पास, क्योंकि वो वाली बात मैंने मुख्तलिफ शोज में की कि अल्लाह ताला ने हमें पहले हम रीज़न देते थे इबादत के लिए कि हमारे पास फला रीज़न है मसरूफियात का, अब अल्लाह ने ऐसा फारिग करा लोगों को और हमें कि क्वारंटाइन कर दिया सबको कि इबादत करो तो अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं बचेगी ना, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी, तो इसको ज़रा ध्यान में रखें हम। और अभी तमाम स्टूडेंट जो हैं उस पर फोकस करें। साथ साथ ही मैं ये बताऊं कि जुमेरात को रात 10 बजे पाकिस्तान में और रात 1 बजे जो है वो कनाडा में लाइव ट्रांसमिशन होगी, हमारी खसूसी ट्रांसमिशन है अयाम अली शहादत इमाम अली के हवाले से, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम और इन नौ के व्यूवर से कि वो इसको ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। और इसके साथ साथ मेरा ये भी मैसेज होगा कि आखिरी अशरे में हम दाखिल हो रहे हैं रमजान के, तो तमाम लोग जो है वो एक दूसरे के लिए अच्छी दुआएं करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।